C-I-E-T-N-C-E-R-T -E presents Trilingual Dictionary of History for Schools Itihas Vidyalayon ke liye, tribhashi shabd kosh. Letter I Index, Word and Page Number Immigrants Page 63 Impeachment Page 63 Imperialism Imperialist Page 63 Indentured labor page sixty four Individualism Individualists Page sixty four Indulgences that is grant of page sixty five Industrial Revolution Industrialization Page sixty six Now let us move to the dictionary of history page. 63. Immigrants. The term refers to people who come to live in a country from another country. Under the British rule, many Indians were taken to work in the plantations of Mauritius, Fiji, Trinidad, Suriname, etc. Many other Indians who went to Burma and as far as South Africa to settle or to do business. दीज इंडियंस वर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन दोज कंट्रीज आ प्रवासी इस शब्द का तात्पर्य उन लोगों से है जो एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए आते हैं ब्रिटिश शासनकाल में अनेक भारतीयों को मॉरिशस फिजी थ्रिनिडार्ड सूरीनाम आदि देशों में बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया था बहुत से अन्य भारतीय बर्मा और सुदूरवर्ती दक्षिण अफ्रीका में भी बसने या व्यापार करने गए थे उन देशों में इन भारतीयों को आप्रवासी कहा जाता था मुहाजिरीन इस इश्तला से मुराद वो लोग हैं जो दूसरे मुल्क से आकर किसी और मुल्क में रहते हैं बरतानवी दौरे हुकूमत में बहुत से हिंदुस्तानियों को मॉरिशस फीजी त्रिनिदाद और सुरिनम वगैरह के बागात में काम करने के लिए ले जाया जाता था बहुत से हिंदुस्तानी बसने या तिजारत करने के लिए बर्मा और दूर दराज मुल्क जुनूबी अफ्रीका तक चले गए इन हिंदुस्तानियों को उन मुमालिक में मुहाजिर कहा जाता था इम्पीचमेंट द टर्म रेफर्स टू अ प्रोसेस थ्रू विच क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर मूवड इन लेजिस्लेटिव बॉडी Against a public official with a view to remove him or her from office on firmed up charges. The tradition of impeachment originated in England in the 14th century. Subsequently, it became an established practice in countries which adopted the British parliamentary features. During the colonial period, impeachment proceedings had been moved in the British Parliament. अगेंस्ट वारन हेस्टिंग्स द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड मिसगवर्नेस महाभियोग ये शब्द एक प्रक्रिया का द्योतक है जिसके माध्यम से एक सरकारी अधिकारी को उस पर लगे पक्के आरोपों के आधार पर उसके पद से हटाने के लिए विधायी निकाय में फौजदारी मुकदमा चलाया जाता है महाभियोग चलाने की परंपरा का उदय चौदहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ आगे चलकर ये परंपरा उन देशों में स्थापित हो गई जिन्होंने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के तत्वों को अपना लिया औपनिवेशिक काल में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुशासन संबंधी आरोपों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग की कार्यवाही चलाई गई थी इस इस्तिला से मुराद एक, तरीका एक कार है जिसके जरिए एक सरकारी अफसर के साबित शुदा जराइम के खिलाफ मुकदमात को मजलिस आयन साज के सामने इसलिए पेश किया जाता है कि अर्तकब जुर्म की वजह से इसे मुतल दफ्तर से दस्तबरदार किया जाए बाजुर्स की इस रिवायत का आगाज चौदहवीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था बाद में ये तरीका कार उन ममालिक में मजबूती से कायम हो गया जहाँ बरतानवी पार्लिमनी खूसियात को अपनाया गया था नौ नौआबादयाती दौर में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स पर बदनवानी और बद निजामी के ख़िलाफ़ बासपुर्स के लिए बरतानवी पार्लिमेंट में मुकदमा चलाया गया था एम्पीज्म Technically, the term is often used to refer to the policies or practices adopted by any country to extend its control or influence over other countries. All through the history of humankind, examples of such empire building have been witnessed in various continents. However, historians generally use this term to describe the ways in which the countries of the West went about to carve out colonies for themselves or exercised political or economic control over other nations during the nineteenth and twentieth centuries to enlarge their own sphere of influence even in this context certain points have been raised to differentiate between colonialism and imperialism according to historians whereas colonialism stands for appropriation of territory for the purposes of settlement or commercial gains Imperialism as a matter of state policy pursues the objective of enlarging the sphere of influence of the imperialist power, either for economic gain or for geostrategic purpose or simply to satisfy its quest for power and prestige. In this latter category, historians generally put the wave of conquests that were made by various European countries the United States of America and Japan during the late 19th and early 20th centuries but whatever may have been the reasons for imperialism to sustain itself in world politics it has always been criticized as morally wrong and politically unacceptable samrajyavad samrajyavadi तकनीकी दृष्टि से साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग उन नीतियों या व्यवहारों के लिए किया जाता है जो एक देश द्वारा अन्य देश पर अपने नियंत्रण या प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं समग्र मानव इतिहास में विभिन्न महाद्वीपों में ऐसे साम्राज्य निर्माण के उदाहरण देखने को मिलते हैं किंतु इतिहासकार आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग उन तरीकों का वर्णन करने के लिए करते हैं जिनके द्वारा पश्चिमी देशों ने 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों के दौरान अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अन्य देशों पर अपने राजनीतिक अथवा आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग किया या अपने उपनिवेश बसाए इस संदर्भ में भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए कतिपय प्रश्न उठाए गए इतिहासकारों के अनुसार उपनिवेशवाद का तात्पर्य है बस्ती बसाने या वाणिज्यिक लाभ कमाने के लिए किसी राज्य क्षेत्र को अपना बना लेना दूसरी ओर साम्राज्यवाद का उद्देश्य किसी साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा अपने आर्थिक लाभ या भू सामरिक प्रयोजन के लिए अथवा केवल अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भूख को मिटाने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना है इतिहासकार आमतौर पर विजयों की उस श्रृंखला को साम्राज्यवाद की श्रेणी में रखते हैं जो 19वीं शताब्दी के आखिरी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में अनेक यूरोपीय देशों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान द्वारा प्राप्त की गई थी विश्व की राजनीति में साम्राज्यवाद के बने रहने के जो भी कारण रहे हों इसे नैतिक दृष्टि से गलत और राजनीतिक दृष्टि से अस्वीकार्य मानकर सदा इसकी आलोचना होती रही है पेज सिक्सटी फोर इस्तेमार तकनीकी तौर पर इस इस्तेला का असर इतलाक़ के एक मुल्क का दूसरा ममालिक तसलुत और असर वसूख की तोसी के लिए अपनाए गए रवैये या पॉलिसी पर किया जाता है इंसानियत की पूरी तारीख में इस तरह से कायम ममालिक की मिसालें मुख्तलिफ बर आज़मों में मिलती हैं ताहम मौरखीन आम तौर पर इस असलाह का इस्तेमाल उस तरीक़ कार को बयान करने के लिए करते हैं जिनके जरिए मगरबी ममालिक उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के दरमियान अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए अपने आप नौआबादियत का रास्ता निकाला और दूसरे ममालिक अपना सियासी या माशी तसलुद कायम किया इस सिया में भी नौआबादियत और सामराजियत के माबिन फ़र्क की तफहीम के लिए कुछ मखसूस नकात उठाए गए हैं मौरखी के मुताबिक नोआबादियत का मकसद आबादकारी या माशी मफाद के लिए मुनासिब इलाक़ों पर तसलु क़ायम करना होता है जबकि सामराजियत का ताल्लुक रियासत से है जिसमें माशी मफाद या जोग्राफियाई फौज़कशी से मुतल मफाद या महज इकतदार और वक़ार की तलाश में हसूल तमानियत जैसे मकासद सामराजी असर रसूख के दायरे को बढ़ाने के पीछे कारफरमा होते हैं इस आखिरी जुमरे के बारे में आमतौर पर मौरखी का ख्याल है कि ये एक फ़तूहती लहर थी जिसे मतद्द यूरोपी ममालिक रियात हाय मतहद अमरीका और जापान ने उन्नीसवीं सदी के अविर और बीसवीं सदी के अव्वल में अंजाम दिया लेकिन आलमी सियासत में सामराजियत को बरकरार रखने के पीछे जो भी इसबाब हों इस पर हमेशा तनकीद होती रही के ये अखलाकी तौर पर गलत और सियासी लिहाज से नाकबिल है इंडेंचर्ड लेबर द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर अंडर विच अ पर्सन अग्रीज टू वर्क फॉर अनादर फॉर अ स्पेसीफाइड पीरियड अंडर स्टिपुलेटेड कंडीशन आफ्टर दूशन ऑफ स्लेवरी इन एटीन थर्टी थ्री फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर Laborers began to be recruited under this system on a contractual basis to work in the European plantations in various colonies. A term which is generally used to describe the Indian indentured laborers who went in this way to Mauritius, the Caribbean, and Pacific Islands to work in the plantations there used to be called Girmitia. This was a derivative of the English word agreement. शर्तबंद मजदूरी इस शब्द का तात्पर्य एक प्रकार की संविदागत मजदूरी से है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन एक निश्चित अवधि के लिए किसी दूसरे अर्थात व्यक्ति के लिए काम करने हेतु सहमत हो जाता है 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य से दास प्रथा के उन्मूलन के बाद इसी प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न उपनिवेशों में स्थित यूरोपीय बागानों में काम करने के लिए संविदागत आधार पर मजदूर भर्ती किए जाने लगे थे इस प्रणाली के अंतर्गत जो भारतीय मजदूर मॉरिशस कैरिबियाई और प्रशांत महासागरीय द्वीपों में स्थित बागानों में काम करने के लिए गए उन्हें आमतौर पर गिरमिटिया कहा जाता है गिरमिटिया शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द अग्रीमेंट से बना है मुआ हदाती मजदूरी इस अला से मुराद मजदूरी की एक शक्ल है जिसमें एक शख्स शराइत के साथ एक मुतना मुद्दत तक काम करने का अहद करता है 1833 में बरतानवी सल्तनत से गुलामी के खात्मे के बाद मुख्तलिफ यूरोपी नौ आबादियों में पौधे लगाने के लिए मजदूरों की तकरीरी इसी तरीके के तहत ठेके पर की जाने लगी थी इस अतला का इस्तेमाल आमतौर पर उन हिंदुस्तानी मुआहदाती मजदूरों के लिए किया जाता है जो इसी तरह के मुहिदों के तहत मॉरिशियस जजायर हिजरुल हिंद और हिजरुल काहिल के बागात में काम करने के लिए गए जहां इन्हें गिरमिटिया कहा जाता था लफ्ज गिरमिटिया अंग्रेजी लफ्ज एग्रीमेंट से मुश्तक है इंडिविजुअलिज्म Generally, the term refers to an outlook which holds that an individual is the best judge of his or her own interests, and given the necessary freedom and opportunities, he or she will not only achieve her or his own development, but will also contribute to the general welfare of the society. Such an assertion was based on the argument that an individual's productive behavior is most effectively channelized when the society attaches maximum value to her or his freedom of choice. During the 18th and 19th centuries, this philosophy came to dominate the public discourse, first in England and then elsewhere, after the publication of the economic ideas of laissez faire, that is, or, let one alone of Adam Smith that is seventeen twenty three to seventeen ninety, and the political ideas of each to count for one and none for more than one of Jeremy Bentham, that is seventeen forty eight to eighteen thirty two and their followers, however, it was the French political commentator lx T. Tocqueville, that is eighteen hundred and five. टू एन फिफ्टी नाइन हु फर्स्ट क्वाइंट दिस टर्म सिट है आमतौर पर व्यक्तिवाद एक ऐसे दृष्टिकोण को कहा जाता है जिसके अनुसार एक व्यक्ति ही अपने निजी हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और यदि उसे आवश्यक स्वतंत्रता तथा अवसर दिए जाएं, तो वो स्वयं केवल अपना ही विकास नहीं करेगा बल्कि समाज के सामान्य हित में भी योगदान देगा यह दावा इस तर्क पर आधारित था कि एक व्यक्ति का उत्पादक व्यवहार उस स्थिति में सर्वोत्तम रूप में प्रभावकारी होता है जब समाज उसकी चुनने की स्वतंत्रता को अधिकतम महत्व देता है अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों में यह दर्शन सर्वप्रथम इंग्लैंड में और फिर अन्यत्र भी आम जनता में उस समय विचार विमर्श का प्रमुख विषय बन गया जब एडम स्मिथ अर्थात 1723 से 1790 की अहस्तक्षेप नीति लेजेफेयर संबंधी आर्थिक विचारों का और जेरेमी बेंथम अर्थात 1748 से 1832 और उसके अनुयायियों के राजनीतिक विचारों का प्रकाशन हुआ एडम स्मिथ की तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए यानी राज्य के द्वारा उसके मामलों में कोई हस्तक्षेप न किया जाए इसी प्रकार जर्मी के राजनीतिक विचारों का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्ति ही माना जाए एक से अधिक नहीं किंतु इस शब्द का निर्माण सबसे पहले फ्रांस के राजनीतिक टीकाकार एलेक्सेस डी टेक्वेविले अर्थात 1805 से अठारह ने किया था तब से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रचार हुआ और इसके समर्थकों को व्यक्तिवादी कहा जाने लगा पेज 65 फाइव इंफरादियत इनफरादियत पसंद आमतौर पर इस इतलाह से मुराद एक नुकता नजर है जिसके मुताबिक अफराद यानी मर्द औरत अपने मकासद व मदाफ़ात के बारे में ज्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं और तमाम तर ज़रूरी आज़ादी मौक़े हासिल होने की सूरत में वो ना सिर्फ ख़ुद तरक्की कर सकते हैं बल्कि समाज की अमूमी फला व बहबूद में भी ताउन कर सकते हैं इस दावे की बुनियाद इस दलील पर थी कि एक शख्स का तख्लीकी रवैया और मिजाज ज़्यादा मौसर तरीके से तरक्की की राह पर गामजन होता है जब समाज इसे पसंद की ज्यादा से ज्यादा आजादी देता है 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इस फलसफे ने पहली बार इंग्लैंड के लोगों के जहनो पर गहरा असर डाला और बाद में एडम स्मिथ 1723 ता 1790 के नजरिए इख्तिसाद लेसेस फेयर यानी या तनहा छोड़ दो और जेरेमी बेंथम 1748 ता 1832 और उसके पैरवों के नज़रियाए सियासत हर फर्द को एक ही फर्द तस्लीम किया जाए एक से ज़्यादा नहीं कि इशात के बाद दूसरी जगहों में फैला लेकिन फ्रांसीसी सियासी मुबसर एलेक्सिस डी टॉकविल 1805 ता पाँच अठारह पहला शख्स था जिसने इस अतलाह इस को वाजे किया तब से इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई और इसके हामियों को इनफरादियत पसंद कहा जाने लगा Indulgences, that is, grant of. The term refers to a practice which started in the Catholic Church towards the end of the 11th century through which the Pope exercised his spiritual authority to grant indulgences to forgive all or parts of the temporal or worldly punishment that would come upon a person in this life and in the purgatory or hell after death. Once a confession or admission of guilt had been made by a person to that effect. The practice gained acceptance on the belief that the Pope could grant such forgiveness on the basis of the merits or good works which had been conferred upon him on behalf of the Christ and other saints. Originally, indulgences were granted in extraordinary cases and especially to encourage individuals to join the crusades as soldiers. However, by the 14th century, the popes started granting indulgences in return for payment to raise funds for building churches and hospitals. Subsequently, the practice was also extended to persons who were already dead. As a result, people came to think that money could buy them and their dead near and dear ones and escape from penance in this life and punishment after death. This led the Catholic Church to get embroiled in extreme corruption. Hence, it became an important reason for the rise of the religious reformation movement in Europe in the 16th century. On 31st October 1517, the German theologian Martin Luther put up a statement of 95 theses objecting to the indulgence doctrine on the door of the Castle Church of Wittenberg, heralding the beginning of this movement. अनुग्रहदान इस शब्द का तात्पर्य एक ऐसी पद्धति से है जो ग्यारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कैथोलिक चर्च में प्रारंभ की गई थी इस पद्धति के माध्यम से पोप अपने आध्यात्मिक प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को अनुग्रह या क्षमा पत्र प्रदान करता था जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करने के उपरांत उसे उसके दुष्कर्मों तथा पापों के लिए क्षमा कर दिया जाता था फलस्वरूप उस व्यक्ति को उसके जीवन में और मृत्यु के बाद नरक में कोई दंड नहीं भुगतना पड़ता था क्षमादान की ये पद्धति इस विश्वास पर आधारित थी कि पोप उस व्यक्ति को उन पुण्यों या सुकर्मों के आधार पर क्षमादान कर सकता था जो ईसा मसीह और अन्य संतों द्वारा उसे प्रदान किए गए थे प्रारंभ में अनुग्रह पत्र असाधारण मामलों में ही विशेष रूप से लोगों को सैनिक के रूप में धर्म युद्धों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु प्रदान किए जाते थे किंतु चौदहवीं शताब्दी तक आते आते पोपो ने चर्च तथा अस्पताल बनाने के लिए धनराशियां लेकर बदले में अनुग्रह पत्र देना शुरू कर दिया था इसके बाद ये प्रथा उन लोगों के लिए भी अपनाई जाने लगी जो पहले ही मर चुके थे इसके परिणामस्वरूप लोग ये सोचने लगे कि वे अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए भी ये अनुग्रह खरीद सकते हैं जिससे उन्हें इस जीवन में और मृत्यु के बाद भी दंड से मुक्ति मिल जाएगी फलतः कैथोलिक चर्च घोर भ्रष्टाचार में डूब गया यही भ्रष्टाचार सोलहवीं शताब्दी के यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बना इकतीस अक्टूबर पंद्रह सौ सत्रह के दिन जर्मन धर्म मीमांसक मार्टिन लूथर ने पिचावन धारणाओं वाला एक विवरण इस अनुग्रह सिद्धांत के विरुद्ध विटनबर्ग के कासिलचर्ज के दरवाजे पर प्रस्तुत किया जिससे इस सुधार आंदोलन का श्री गणेश हुआ बख्शिशनामा यानी अतिया इससे मुराद एक ऐसा अमल है जिसका आगाज ग्यारहवीं सदी के अख्ताम के करीब कैथलिक कलीसा में हुआ जिसके तहत बाज़ लोगों को उनके इरतक व एतराफ़ जुर्म के सबब उनकी ज़िंदगी आलम बुरजुख या जहन्नम में मिलने वाली सजाओं की माफ़ी के लिए पोप अपने रूहानी इख्तियारत का इस्तेमाल बख्शिश नामा जारी करने के लिए करता था इस अमल को इस अक़ीदे से तकवीत मिली कि पोप अपने नेक आमाल और ख़ूबियों के सबब जो इसे हज़रत ईसा और दूसरे बुजुर्गों की नस्बत से हासिल है इस नोक की बख्शिश अता करने का मजाज है बख्श नामे गैर मामूली सूरत हाल या खास तौर पर सिलबी जंगों में फौजियों की हौसला अफजाई के लिए दिए जाते थे ताहम चौदहवीं सदी से कलीसाओं और शफाखानों की तामीर के लिए दिए गए चंदों के औज पोप बख्शिश नामे देने लगे बाद में ये सिलसिला उन लोगों तक पहुँचा जिनकी वफात पहले ही हो चुकी थी नतीजतन लोग सोचने लगे कि बख्शिश नामे रुपयों के जरिए खरीदे जा सकते हैं और अपने आजा करबा को इस दुनिया के अजाबों और वफात के बाद मिलने वाली सजाओं से बचाया जा सकता है इस सूरत हाल ने कैथलिक कलीसा को सख्त बदवानी की मुसीबत में मुब्तिला कर दिया चुनाचे ये मामला सोलहवीं सदी में यूरोप में मजहबी तारीख इसलाह के आगाज का अहम सबब बन गया 31 अक्टूबर 1517 में जर्मनी के आलमदीन मार्टिन लूथर ने इस तहरीक की शुरुआत का नारा बुलंद करते हुए बख्शिश नामे के उसूल पर पिचानवे एतराज पर मुश्तमिल बयान को विटनबर्ग कासिल कलीसा के दरवाजे पर रख दिया पेज सिक्सटी सिक्स इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इंडस्ट्राइजेशन ग्रेटली पॉपुलराइज बाई द इंग्लिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन आर्नल्ड ट्वेंटी थ्री The term refers to the unprecedented change that first occurred in England from 1760 to 1840 due to the large scale substitution of the earlier labor driven craft based economy by a new capital driven machine based economy. This was made possible due to significant technological innovations. Which saw the uses of new energy sources like coal and steam, new basic materials like iron and steel, and new machines and tools like the spinning jenny, steam engines, telegraph, and radio. Consequently, there came into vogue the factory system, which relied on the system of division of labor and specialization of function. Taken together, these changes ensured remarkable economic growth for England and set up a trend for other European countries, the United States of America, and eventually the rest of the world to pursue in times to follow. And today, even as the trend is continuing with much greater technological innovations in diverse fields, the process has come to be known as industrialization. औद्योगिक क्रांति औद्योगिकरण इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार आर्नल्ड ट्वेनबी अर्थात अठारह से अठारह द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किए गए शब्द का तात्पर्य उस अभूतपूर्व परिवर्तन से है जो सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1760 से 1840 के दौरान पुरानी श्रम चालित और शिल्प आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर नई पूंजी चालित और मशीन आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना के कारण हुआ ये परिवर्तन उन महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय नवाचारों के कारण संभव हुआ जो कोयला तथा भाप जैसे ऊर्जा के नए स्रोतों लोहा तथा इस्पात जैसी नई बुनियादी सामग्रियों और कताई मशीन अर्थात स्पिनिंग जेनी भाप इंजन टेलीग्राफ और रेडियो जैसे नए उपकरणों एवं यंत्रों के फलस्वरूप अस्तित्व में आए फलस्वरूप फैक्ट्री प्रणाली का आगमन हुआ जो श्रम के विभाजन और कार्य की विशेषज्ञता की प्रणाली पर निर्भर थी कुल मिलाकर इन परिवर्तनों ने इंग्लैंड के लिए उल्लेखनीय आर्थिक विकास सुनिश्चित कर दिया और यूरोप के अन्य देशों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके बाद बाकी दुनिया के देशों के लिए भी भविष्य में आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया और आज जबकि यह प्रवृत्ति विभिन्न क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा बहुत बड़े प्रौद्योगिकीय नवाचारों के साथ जारी है यह प्रक्रिया औद्योगिकरण के नाम से जानी जाती है सनती इनकलाब सनतकारी इकतियात के अंग्रेज मौरिक आर्नोल्ड टोनबी अठारह सो बावन त तिरासी के जरिए गैर मामूली तौर पर राइज होने वाली इस अतलाह से मुराद बेमिसाल तब्दीली है जो 1760 और 1840 के दरमियान पहले से बड़े पैमाने पर राइज मजदूरों की दस्तकारी पर मुबनी मीशत की जगह मशीन पर मुबनी सरमाएदारी मीशत को अपनाने की वजह से रूनुमा हुई ये तब्दीलियां इन अहम तकनीकी अख्तरात की वजह से मुमकिन हुईं जिनकी बदौलत जदीद जराए तो जैसे कोयला और भाप जदीद बुनियादी मददे मसलन लोहा और फौलाद जदीद मशीनें और आलात जैसे सूत काटने की मशीन भाप से चलने वाले इंजन टेलीग्राफ और रेडियो वगैरह का इस्तेमाल अमल में आए नतीजत तन निज़ाम कारखाना को रिवाज मिला जिसमें तकसीम कार और काम में तखसस के तरीके पर यकीन किया जाता था बाहसियत मजमुई इन तब्दीलियों की वजह से बरतानिया की मीशत में बिल कदर इजाफा हुआ और दीगर यूरोपी ममालिक रियात हाय मतहद अमरीका और बाला आखिर मारूर आयाम के साथ बकिया दुनिया में भी इसकी पैरवी करने का रुझान पैदा हुआ और आज भी मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली तौर पर तकनीकी का रुझान जारी है इस तरीके कार को सनतकारी कहा गया है लेटर आई ऑफ ट्रैलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल्स एंडसिया रेड बाय सुचित्रा गुप्ता एंड मोहम्मद साद ट्राई लिंग्वल डिक्शनरी यू एर जस्ट लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सीमा शुक्ला ओझा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉक्टर भारती कौशिक टेक्निकल कॉर्डिनेशन बटीलैंड लिंगडो एसिस्टेंस इन प्रोडक्शन जगबंधु जाना फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो प्रोडक्शन कॉर्डिनेशन Vandana Arimardhan, produced and directed by Vimlesh Chowdhury. And this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.